यूपी कलर के हैं वैसे नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं। कैसे पहचान गए? मैं देखिए, मैंने आपको देखा ना वहाँ से, मैं बाइक गया तो मैंने कहा सर, मैंने तुम्हें मेरा नमस्ते सर बोला ना आपको, तो उसमें क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित निषाद है। मोहित निषाद और चंदन चौहान। चंदन चौहान, तो ये दो लोगों से अभी जस्ट महादेव के दरबार में हम लोग दर्शन कर रहे थे, लोग गुजर रहे थे, तो रात का बज रहा है, मुझे लग रहा है 1-2 बज रहा होगा। 2 बज रहे, रात के 2 बज रहे हैं। इतना फ्रेश माइंड है देखो इन लोग का। क्या कर रहे हो कैंपस में? कैंपस में थोड़ा हमारी सीरियस डिस्कशन चल रही थी किसी एक टॉपिक को लेकर। टॉपिक बताने लायक है? टॉपिक बताने लायक तो नहीं, इसीलिए कोई बात नहीं की प्राइवेट। तो फिर कैसा लगा अभी? बहुत अच्छा लगा सर आपसे। अच्छा, थोड़ा इधर इधर आ जाओ भाई। तो ये कब से वीडियो देख रहे हो आप? मैं सर आपको 2020 से ही सर फॉलो कर रहा हूँ। 2020? जी सर। ओ माय गॉड, क्या कैसा लगता है वीडियो से? सर आपकी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली होती है सर, और लिटरली सर उसमें बिलीव भी किया जाता है क्योंकि आप सर वो ऐसी वीडियो ही रहती है। और भाई मेरा क्या था सर, मैंने 2019 से फॉलो किया था और उसके बाद मैंने 2020 में इंट्रेंस दिया, नहीं हुआ मेरा और फिर टूट गया सपना। दिल नहीं, नहीं सपना ही टूट गया सर। नहीं मतलब BSc तो हम नहीं कर पाए यहाँ से, फिर एक रहता था, लेकिन मैं हमेशा मतलब 4 साल ड्यूरिंग में 4 ईयर हम साइकिल से वहाँ से आते थे या कभी बस से कभी टेम्पो, जैसे मन किया वैसे चले आए। तो हमारा आना जाना हमेशा रहता था इस कैंपस में, और भी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से आते थे हम। अच्छा, तो तब तो कुछ नहीं हो पाया, फिर लास्ट जब वहाँ से BSc कंप्लीट हो रही तो भाई ने CUT दिया, तो CUT में सबसे ज़्यादा नंबर यूपी कॉलेज में चले गए। चंदन यूपी कॉलेज टॉपर है CUT भाई। मज़ा आ गया बहुत बढ़िया। और हमने क्या था कि हमको तो दिया ना, हम JRF भी दे रहे थे, तो हम तो CUT का तैयारी नहीं किया। ICAR की बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो मैंने CUT तो मेरा 206 नंबर था। अच्छा, तो मैं थर्ड नंबर का था यूपी। फिर ICAR से फिर कितना आया? ICAR से मेरा 21 रैंक था ऑल इंडिया। तो ICAR से भी लिया यहाँ पे? तो ICAR के थ्रू ही एडमिशन लिया मैंने। क्या स्कॉलरशिप मिल रहा है? 12,640 पढ़ाई के साथ। देखो कितना बढ़िया है, मतलब आदमी एक बार बोला कि फेल हो गया उसमें ऐड कर देना। हाँ, ICAR के थ्रू भी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, कुछ सीटें रिजर्व होती है ना? कितनी सीट होती है दोस्त अभी? 25-25। नहीं नहीं, जैसे अभी एग्रोनॉमी में ना 4 सीटें हैं सिर्फ ICAR के थ्रू। अच्छा, तो जिसमें मेरे को जनरल की सीट अलॉट हो गई, मेरे दोस्त को एक OBC की हो गई, और एक मेरा दोस्त है उसको जनरल की हो गई। अच्छा, और बाकी जो SC ST वाले आएंगे 1-2 सीट और हैं बस। अच्छा, वही मतलब 15-20% अभी बच्चे भी अनुवाद किए। 5 सीटें हैं। अच्छा, ICAR के केस में क्या होता है, जो सर्टिफिकेट होता होगा वो ICAR देती होगी ना? नहीं, जो डिग्री आपकी होती है। डिग्री तो यही सब देंगे, बस ये कि जैसे मान लो अब ये MSc कर रहा है, जो कि यहाँ के मतलब प्रोफेसर ने हमको बताया था, उन्होंने बोला कि जैसे ये MSc करेगा तो डायरेक्ट MSc लिया, तो हम लिखेंगे तो MSc ICAR अवार्डेड। क्योंकि हमारे मतलब स्कॉलरशिप टाइप का है। स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए वो अच्छा स्पॉन्सर कर रहे हैं। पर मंथ दे रहा है ना 12,640 पढ़ने के लिए। क्या करते हो? करते क्या, अभी आया नहीं एक बार भी, वही करते आते हैं। चलो, बहुत अच्छा लगा। ये लोग बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए शूट करने लगा क्योंकि ये भाई साहब 2021 का मेरा चैट दिखाने लगे कि सर आपने लिटरली आपने वो पर्सनल आपने रिप्लाई किया हुआ है। मैं कहा लाओ भाई देखते हैं, इस जमाना था। और 2021 से ना इनका मोबाइल बदला है। नहीं, नहीं, मोबाइल बदले लेकिन हम बैकअप रखे हुए थे उसे। सब वापस आ गया, वापस आ जाता है। सरप्राइजिंग। चलो अनएक्सपेक्टेड मुलाकात होगी एकदम से। और ये रात में 2 बजे कौन एक्सपेक्ट करता है बताइए? नहीं, बात ये है ना कि मैं रात में ही, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा फ्रीली घूमने का समय है। नहीं नहीं, क्या था हम लोग दिन में देखो क्या है ना कि देखो मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ दोस्त। बात ये कि बच्चों से जब मिलूँ तो मुझे लगता है ना कि उन्हें पूरा भरपूर समय देना चाहिए। अगर तुम थोड़ा सा मतलब इग्नोर मार के चले गए ना तो थोड़ा सा उन्हें लगेगा कि यार मतलब क्या है इतना वो दिखा रहा है। तो मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैं कई बार ऐसा फील किया हूँ कि मैं लोगों को उससे ज़्यादा दे रहा हूँ जितना उसको ज़रूरत है। रोड पे चलते चलते मिल गए तो खूब ढेर सारा, चलो चलते हैं चाय पी लें, ये कर लें, फिर मुझे लगता है कि चलो ठीक है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो कभी कभी जानबूझ के करता हूँ, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं बेसिकली। लेकिन BHU का मेरा भी बहुत अच्छा रहा। हाँ मैं अभी, अरे हम लोग 4 साल पहले भी मिले हैं। क्या है ना कि दिक्कत है, आप बहुत लोगों से मिलते होंगे लेकिन हम बहुत लोगों से नहीं मिलते हैं। अरे मुझे एक बार ऐसा भी हुआ, एक दो बार बताता हूँ क्या हुआ। एक दो लोग मुझे ऐसे भी मिले जो लिटरली मुझे मिलने के बाद ये बोले क्या पता है लास्ट टाइम आप मुझे लिफ्ट दिए थे बाइक में। मैं कहा मैं लिफ्ट भी दिया था क्योंकि मेरी आदत है, मैं अक्सर कैंपस के अंदर लिफ्ट बहुत ज़्यादा देता हूँ, बाहर तो नहीं लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा लिफ्ट देता हूँ। अगर अकेले जा रहा तो मैं आगे जाके बाइक रोक दूंगा। मुझे भी लिफ्ट दिए हैं अभी। हाँ, अभी इनको तो मैंने लिफ्ट ही लेकर खड़े थे तो बोले लाओ तुमको रूम तक छोड़ देता हूँ, तब से रूम जा ही रहा हूँ, तब से बात घूम रहे हम लोग।
तो बहुत अच्छा लगा। देखो अब मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, पूरे इस वीडियो का यही है, फेलियर हुए लेकिन फिर पढ़ाई करा, ICR अवार्डेड है फाइनली, इन्होंने फर्स्ट रैंक लाया अपने पूरे UP कॉलेज में। तो भाई आप समझ लो कि बेसिकली इस वीडियो में UP कॉलेज के बारे में चाहूँगा कि दो चार लाइन बता दो बस। UP कॉलेज, पहली बात तो ये है UP कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा कॉलेज है जिसको ICR ने एक्रीडेशन दिया है, वो कॉलेज मतलब कॉलेज होते हुए उसे ICR ने एक्रीडेशन दिया। और UP कॉलेज के बारे में कौन नहीं जानता है, अगर जो UP में रह के UP कॉलेज का नाम ना जाने तो समझ लो कि उसने अभी बहुत कुछ कम जाना है। तो मैं बता देता हूँ, नाम है वहाँ के लड़के बहुत ज्यादा पॉलिटिकल होते हैं, पॉलिटिकल अपने अधिकारों को जानते हैं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है उन्हें उल्लू बना के निकल जाना बेसिकली। और हम दोनों UP कॉलेज से ही हैं, और ये दोनों लोग UP कॉलेज से हैं और नया एक्सपीरियंस जोड़ रहे हैं अपने बायो में कि हम BHU से पढ़ाई किए हुए हैं। तो एक अच्छा अचीवमेंट है ये, अच्छा अप्रोच है, अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है आप लोग के एजुकेशन में। मैं चाहूँगा कि आगे जो भी एम है लास्टली बता दो, क्या बनना चाहते हो? प्रोफेसर। अरे यार महादेव भाई प्रोफेसर, आप क्या बनना चाहते हो? मैं तो पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ आगे चल के। अभी लग रहा है UP कॉलेज वाला हवा गया नहीं भाई के अंदर से। नहीं नहीं देखिए मतलब भाई इतना पढ़ा लिखा हुआ नेता तो मैं देखा नहीं ना, मतलब ICR अवार्डेड वाला नेता कैसे बनोगे? नहीं 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 मुझे बनना है एट लास्ट, मतलब आई वॉन्ट टू डाई लाइक ए पॉलिटिशियन। अच्छा एट लास्ट मेरा एम है जब मैं यहाँ से जाऊँ तो, मतलब अंतिम समय प्रधानी लड़ लेना गांव में। नहीं अब इतनी छोटी नहीं सोची है। अरे प्रधानी करने के बाद ना प्रधानी की राजनीति एक नंबर की है, अगर वहाँ जीत गए तो विधायक की लड़ो जीत जाओगे। काट दीजिए, घर वाले कहेंगे कि अभी पढ़ाई कर लो, घर वाले बचा के रखो, आपका बेटा जो है ICR अवार्डेड है, पॉलिटिशियन मत बनाइएगा फिलहाल तो, अभी बोलिए पहले ढेर सारा। नहीं नहीं पॉलिटिशियन बनो, मैं तो कहूँगा कि देश को तो अच्छे नेता की जरूरत है ही, पढ़े लिखे नेता की जरूरत है। क्या ना एक प्रोसेस है पूरा जो कि हमारे माइंड में है, रोड मैप क्या से क्या। नहीं सही, हर किसी का अपना एक ड्रीम एम होता है यार, होना चाहिए। मैं तो हमारा वो है क्या, हमारी अगर बिल्डिंग बनी फाउंडेशन है हमारे, मतलब ऐसे ऐसे तीन चार रखे हो। नहीं नहीं जैसे ये मेरा दोस्त है और भी एक दोस्त है मेरा, आदित्य प्रिंस नाम है, वो भी ये कौन सा बिरला के बगल वाला हॉस्टल LBS में रहता है, तब सो रहा होगा अभी। चलो भाई बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा लगा। अभी फाइनली कहाँ रहते हो? BHU? नहीं नहीं BGT हॉस्टल। अच्छा ब्रज बाल गंगाधर दोनों लोग। चलो भाई एक बहुत तेज ये फाउंडेशन लग वो सालिनता इनके अंदर है, संभाल लेंगे आपको। चलिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार महादेव को दिखा दीजिएगा। चलो बोलो सारा नारा लगाओ, बढ़िया से लगाओ, मतलब अरे लगाओ बढ़िया लगाओ, मानस लगाओ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।